4 अगस्त को मध्य प्रदेश विदिशा के भौरासा स्थित अतिशय तीर्थ क्षेत्र श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर भक्तों ने श्री जी का अभिषेक एवं शांति धारा व पूजन कर प्रभु के चरणों में निर्वाण लाडू समर्पित किया। निर्यापक मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 4 अगस्त को श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण कल्याणक महोत्सव विदिशा के भौरासा स्थित अतिशय तीर्थ क्षेत्र श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में भक्तिभाव के साथ मनाया गया, जिसमें भक्तों ने कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम श्री जी का अभिषेक एवं शांति धारा से की। क्षाम क्षीम क्षोम क्षेम क्षैम क्षोम क्षौम क्षम क्षा ह्वीं ह्राम ह्रीं ह्रूं ह्रें ह्रैं ह्रों ह्रौं ह्रं ह्रा द्राम द्रीम द्रावय द्रावय नमो अर्हते भगवते श्रीमते। भक्तों ने पूजन की मंगल क्रियाएं संपन्न करते हुए मूल नायक अतिशयकारी भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में निर्वाण लाडू समर्पित किया। इस अवसर पर भक्तों ने अपने भाव व्यक्त किए। आज मोक्ष सप्तमी के पावन दिवस पर क्षेत्र के अध्यक्ष आनंदी मोदी के द्वारा जिन माननीय चैनल को यहाँ पर आमंत्रित किया गया और मोदी जी के आमंत्रण से यहाँ पर ये जिन माननीय चैनल उपस्थित हुआ, उन्होंने पूरे कार्यक्रम का ये चेकआउट किया और इस क्षेत्र की जो कमेटी है वो निरंतर इस क्षेत्र के विकास में अपना पूरा योगदान दे रही है। भौरासा अतिशय तीर्थ क्षेत्र जैन मंदिर में आयोजित हुए श्री भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण कल्याणक महोत्सव में स्थानीय भक्तों के साथ विभिन्न स्थानों से पधारे भक्तों ने भी सहभागिता कर पुण्य अर्जन किया। जैन फोकस के लिए विदिशा मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।